अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन्स रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला। इसके लिए हमें एक कप प्रॉन्स लगेंगे, क्लीन किया हुआ है, दो अनियंस कटे हुए बारीक, 3 टमाटोज कटे हुए बारीक, धनिया गार्निशिंग के लिए और चिली। ये रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कोल्हापुरी मसाला है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो। 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून छोटा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, शुगर है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, 2 चुटकी सॉल्ट है जो ब्लैक सॉल्ट होता है, और आमचूर का पाउडर है 2 चुटकी। ये मिल्क है, ये हमें बाद में लगेगा, और ये मक्खन है बटर, इसे भी हम बाद में यूज़ करेंगे। मैं आपको बताती हूँ इसे कब डालना है। सोया सॉस चाहिए हमें 1 चम्मच, 1 चम्मच हमें सेजवान सॉस भी चाहिए, और थोड़ा सा केचप भी यूज़ करेंगे हम। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 चम्मच। पहले हम ऑनियंस डाल देंगे। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसे हीट किया है ऑयल को, और उसमें ऑनियंस डाल दिया है। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि कांदा जल्दी से गल जाए। इसे हिला लेंगे। और इसे हम ढक कर 5 मिनट तक पकाएंगे। अनियन गल चुका है हमारा, इसे इतना ही गलाना है। आप देख सकते हैं लाइट पिंक कलर में आ गया ये। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली डाल देंगे, अच्छे से सौते कर लेंगे। इसमें प्राउंस डालेंगे, इसे अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आप इसे तब तक भूनें तब तक जब तक प्राउंस का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए प्राउंस थोड़ा वाइट कलर में आ गया है। अभी इस वक्त हम इसमें अनियंस टमाटोज डाल देंगे, और हमारे जो सारे मसाले थे ये भी हम इसमें एक ही साथ डाल देंगे। हमने हमारे सारे मसाले जो थे वो भी डाल दिए, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून के जितना पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है हमारा वो अच्छे से गल जाए। इसे हिला लेंगे और इसे 5 मिनट तक इसी तरह ढककर पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे हिलाकर चेक कर सकते हैं टमाटर गला है या नहीं, अब प्राउंस भी गले या नहीं आप चेक कर सकते हो बीच में। देखिए हमारा टमाटर जो है पूरा गल चुका है अच्छे से। अब इसमें हम जो ब्लैक सॉल्ट शुगर वगैरह जो थी हमारे पास हम वो डाल देंगे, कोरिएंडर डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और हमने जो मिल्क लिया था वो डाल देंगे। ये 1/2 कप ऑफ मिल्क है, ओके। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम और 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने यहाँ पे 1 चम्मच सॉस सेजवान सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, हम ये भी इसमें डाल देंगे। इसे आपको बाद में ही डालना है क्योंकि इसका टेस्ट उड़ जाता है ऑयल की वजह से, तो इसे आपको लास्ट में ही डालना है, तो इसमें थोड़ा चाइनीज़ का भी टेस्ट आता है और ये मिल्क को एडजस्ट कर लेता है मसाला अपने अंदर। इसे अच्छे से हिलाएंगे, अगर आपको इसमें और सॉल्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ओके। मुझे थोड़ा सॉल्ट लग रहा था तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अब इसे और 5 मिनट तक हम ढक कर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, 5 मिनट हो चुके हैं। ये ऑयल छोड़ने लगे तो आपका प्राउंस रेडी है। अब एंड में आप इसमें 1 चम्मच मक्खन डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मक्खन इसीलिए हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि मक्खन उड़ जाता है
तो इसे लास्ट में डालने से इसमें मक्खन का जो टेस्ट आता है वो बहुत बेहतरीन लगता है, रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है, इसलिए हम इसे बाद में डालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे ढक देंगे 2 मिनट तक। अभी से आप गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कीजिए, ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, बड़ा ही टेस्टी बनता है। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।